हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेटीट्यूड के डिस्क्रिप्टिव जोन्स के बारे में बताऊंगा। और ये जोन्स जो होते हैं वो रीजन यानी ज़मीन के ऊपर कभी कभार डिस्क्राइब करते हैं किसी जनरल फॉलिंग बैंड्स को या फिर जोन्स को, किसके लेटीट्यूड के। तो आज हम उसी में से ही आपको कॉमनली जो है वो एसोसिएट लेटीट्यूड के कुछ टर्म्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो उनके टर्म्स पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लो लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड जो कि जनरली बिटवीन यानी यूँ कह लें कि इक्वेटर के बिल्कुल ही दरमियान होता है, जो कि 30 डिग्री से शुरू होता है नॉर्थ और साउथ पर। अब मिड लेटीट्यूड की बात करें तो ये 30 डिग्री से शुरू होता 60 डिग्री के बीच में होता है, जो कि नॉर्थ और साउथ से के पास होता है। हाई लेटीट्यूड की बात करें तो ये लेटीट्यूड बिल्कुल ही ग्रेटर होता है, अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसी के हिसाब से अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो ये बिल्कुल ही कुछ डिग्री के ऊपर जो है वो इक्वेटर जोन पर होता है, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर जोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल जो कि ट्रॉपिक्स के दरमियान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये स्लाइटली पोलवर्ड होता है ट्रॉपिक्स, जिसको जनरली अराउंड 25 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर बताया जाता है। अब उसके अलावा पोलर की मैं बात करूं तो ये कुछ ही डिग्री के ऊपर बना होता है, जिसको जो के नॉर्थ या फिर साउथ पोल पर होता है। आई होप कि आपको जो है वो लेटीट्यूड के डिस्क्रिप्टिव जोन समझ में आ गए होंगे।